हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉकथन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर हो रही हैं बल्कि पूर्ण रूप से स्वावलंबी होकर समाज की नींव को मजबूत करने का कार्य कर रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस अवसर पर वार्षिक कैलेंडर का भी विमोचन किया। उन्होंने महिलाओं में ऋतु चक्र के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां एवं स्वच्छता को लेकर भी एक कैलेंडर जारी किया। उन्होंने महिलाओं की 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ के विजेता खिलाड़ियों को क्रमशः 5100 एवं 1100 रुपये की नकद धनराशि देकर सम्मानित किया। महिलाओं की दौड़ में सारिका संजना खुशी दीक्षा शिखा मोनिका सुमी आरती नैन्सी शामिल हैं। कार्यक्रम में सुरक्षित बेटी विषय पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम से प्रभावित होकर महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्वयं नन्ही बालिकाओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ फोटो सेशन किया। आज ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ। और आज हमारी बच्चियाँ जिनको जागरूक करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो इसी को लेकर आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हमारी बेटियाँ मजबूत होंगी तो हमारा देश प्रदेश मजबूत होगा। और बेटियों को मजबूत करने के लिए हर एक समाज ने आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और बेटियों को मजबूत करना चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।